घंटे 10 मिनट आपको पता भी नहीं चलेंगे एंड इट्स वर्थ एक्चुअली वॉचिंग एवरीबडी एक्चुअली इंक्लूडिंग फैमिली चिल्ड्रेन एवरीबडी शुड वॉच इट्स इंस्पिरेशन थैंक यू सी उसने अपनी लाइफ स्टोरी बताई है सबको पता होगी लेकिन वो एक्चुअली क्या हुआ एग्जैक्टली वो एक्चुअली उसने प्रेडिक्ट किया है सो बहुत सारी चीज़ें हैं स्पेशली जो उसका फर्स्ट लव था जिसमें वो प्रियंका का एक्सीडेंट हो जाता है एंड शी डाइज मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा ऐसा कुछ हुआ है उसके साथ तो एक आदमी को अपनी लाइफ स्टोरी बताना रियलिटी में जब वो एग्जिस्ट कर रहा है और अभी एक हाई पीक पे है इट्स अ कमेंडेबल जॉब सो आई थिंक नीरज पांडे हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब महेंद्र सिंह धोनी फॉर द मैटर ही इज अ लेजेंड एनी वेज एंड सुशांत सिंह फॉर एक्टिंग सो ब्रिलियंटली I would say it's at least a 4.5 star movie. Wow. Yeah, thank you. उसकी पर्सनल लाइफ उसकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी तरह की अच्छी तरह से दिखाई है सुशांत सिंह फिट थे हाँ हाँ क्या 5 स्टार कितना देना चाहिए फुल 5 स्टार ओके अरे यार बहुत अच्छी मूवी थी एंटरटेनमेंट मूवी थी आप देखिए यहाँ ये तो अच्छा लगा हम लोग को धोनी का मूवी देख के बहुत अच्छा लगा फिल्म में क्या पसंद है आपको धोनी का सुशांत सिंह राजपूत हमको झांसी करके उनका जो जोश था वो क्रिकेट मतलब जो जिससे उसने करियर स्टार्ट किया बहुत अच्छा लगा आखिरकार 2019 में भी खेलना चाहिए वर्ल्ड कप बस यही हमारा इच्छा है वैसे जो उनकी लव स्टोरी है जो वो भी बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था नहीं इतना तो नहीं पर धोनी जैसा कोई नहीं बस स्टार देना चाहिए 5 में से फुल धोनी के लिए कुछ भी धोनी के लिए स्टाइल कुछ के लिए आप उनके फैन हैं तो उनके डांस कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा डांस नहीं सर एक शॉट बनता है हाँ बताइए सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छा वर्ल्ड मूवी था और लास्ट में जैसे बोला गया था कि धोनी ने वर्ल्ड कप जितने सारे लाए सर सुशांत सिंह राजपूत ने इतने लोगों का दिल जीत लिया सर आज उसके एक्टिंग देखकर बहुत अच्छी दिशा पटनी जो उनकी फर्स्ट वाइफ मतलब फर्स्ट गर्लफ्रेंड दिखाई हुए सर वो हमें नहीं पता था वो एक नया चीज थी जो हमको देखने को मिली और वो सबसे बेस्ट पार्ट था जो मतलब उनके लाइफ का हमें पता चला कि उन्होंने क्या किया है उनके लाइफ में क्या हुआ है उनके साथ बहुत अच्छा मूवी था सब अच्छे से वो सुशांत सिंह राजपूत को हैट्स ऑफ दिया जाएगा बहुत अच्छा सर तुरंत फोन किया मैंने कि पिक्चर आकर देख लो या नहीं देखा होगा देख लो सर आज तक बस इतना देखा था कि धोनी बेस्ट फिनिशर है धोनी बेस्ट स्टार्टर भी आज ये भी पता चल गया सर हमें सर पाँच के प्लस सर स्टार सब कुछ देना चाहिए सर ऐसा कुछ एक शॉट जो धोनी का आपको पसंद है वो करके दिखाए तो बहुत अच्छा होगा कैमरे के लिए फिल्म अच्छी है और फिल्म अच्छी है थ्री स्टार ही देना चाहूँगा इंटरवल बोर हो रही थी काफ़ी तो मैं भी बोर हो रहा था काफ़ी सॉन्ग्स पे मतलब कि डाल रहे थे स्टोरी अच्छी थी हाँ महेंद्र सिंह धोनी की असली स्टोरी तो लोग देखना कितने आएंगे कि क्या अनटोल्ड स्टोरी है महेंद्र सिंह धोनी की तो सबको पसंद आएगी स्टोरी और क्योंकि रियल स्टोरी तो ऑडियंस विल एंजॉय
बारे में नहीं, ये मुझे मालूम नहीं था। जब मेरे साथ मेरा फ्रेंड बैठा था, मैंने उससे पूछा कि सच में ये एक्सीडेंट हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी ने बोला था और वी हैव अ टाइम, अभी वो टाइम है, कुछ इट्स स्क्रिप्टेड और एक्चुअल में कुछ ऐसा है। बट मुझे तो स्क्रिप्टेड लग रहा था, महेंद्र सिंह धोनी जानते हो, मैं महेंद्र सिंह धोनी के इनिशियल लाइफ में बड़ा बड़ा नहीं है। सुशांत सिंह ने बहुत अच्छा करेक्टर को पकड़ा है, चाहे उनके एक्सेंट को हो, चाहे उनके बॉडी लैंग्वेज को, बहुत अच्छा पकड़ा है, अच्छा परफॉर्म किया है, पूरा मतलब पकड़ के रखा था। कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है फिल्म की, न्यूज को मैंने बहुत अच्छी कास्टिंग की है, चाहे युवराज सिंह हो और भी डिफरेंट करेक्टर्स हों, कोचिज हों, टीम मेम्बर्स हों, बहुत अच्छी कास्टिंग। एक मिनट साइड, एक मिनट थोड़ा साइड निकल लेते, एक मिनट रुक जाना यार। एक्चुअली क्या है कि काफ़ी कुछ पढ़ रखा है उनके बारे में, ऐसा नहीं कि उनके बारे में पता नहीं है, पर एक दिखाने का जो तरीका है वो नीरज पांडे साहब ने बहुत अच्छा दिखाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी फिल्म में, कुछ ऐसे फैक्ट थे जो नहीं पता था धोनी साहब के बारे में, मतलब उनका बहुत लास्ट में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने डिसीजन की वजह से वो बड़े बने, जो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते आए हैं, तो जो डिसीजन उन्होंने लिए हैं जिस वजह से वो आज उस मुकाम पे पहुँचे इंडिया कैप्टनशिप में, तो वो इस फिल्म में दर्शाया गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि कहीं ना कहीं जो भी बायोग्राफी होती है वो होती है इंस्परेशन के लिए, तो एक फुल ऑफ इंस्परेशन मिला खासा हमने से यूज को। दूसरी बात मुझे फिल्म की अगर बात करूँ तो सुशांत सिंह राजपूत का काम बहुत अच्छा है और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से धोनी जी को प्रेरित किया है इस फिल्म के अंदर। और भूमिका चावला जी को भी बहुत टाइम बाद देखने को मिला, मगर सबसे अच्छी बात ये लगी कि अनुपम खेर साहब, उनको देख के मतलब जो फादर वाले उन्होंने एक्ट किया है, आंखों में आंसू आ गए लास्ट में, फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हमको नहीं मालूम था, वो पता लगा, बट हम जानबूझ कर वो शिफ्ट होने गए क्योंकि वो उनकी पर्सनल मैटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इंसान की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे पार्ट आते हैं जो मेरे को शेयर नहीं करते, तो बायोग्राफी में पता है। तो उसके बावजूद इतना होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया है और अपने करियर में फ़र्क आने नहीं दिया, अपने गेम में फ़र्क नहीं आने दिया और उन्होंने नेशनल ड्यूटी समझ के काम किया, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा है। इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार दूँगा और हनुमान मलिक का म्यूज़िक बहुत अच्छा है। ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर देखो इस फिल्म को, और सबसे अच्छी बात ये है कि धोनी सर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी अगर आप ये फिल्म देखो। म्यूज़िक अच्छा है इसका, 3 ही सॉन्ग है जो सुने हैं और जब तक जो सॉन्ग है इसका वो बहुत अच्छा है। हनुमान मलिक का म्यूज़िक 100% बाकी सब तो सब हर इंसान की परसेप्शन है, बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म है, मैं अपनी फैमिली के साथ भी देखना चाहता हूँ। धोनी का ना नेचर शुरुआत से बताया गया था, वो अंडर प्रेशर में नहीं खेलते, इस वजह से ही सहज बुद्धि वाले एक बहुत अच्छे कैप्टनशिप में आए थे, वो साफ साफ दर्शाया गया कि वो अपने डिसीजन की वजह से ही बड़े बने, तो वो इसमें शो किया है और वो ही अगर रियल लाइफ में भी किया जाए तो बढ़ता है, तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाया गया और उसको बहुत अच्छे से प्रेरित किया सुशांत सिंह राजपूत ने, तो वो ही हम लोग को देखने को मिला है, तो अच्छा है उस तरीके से। महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म रिलीज हो चुकी है, फिल्म के निर्माता अरुण पांडे हैं और डायरेक्टर नीरज पांडे हैं, फिल्म की मुख्य भूमिका पे सुशांत सिंह राजपूत है जो भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी महेंद्र सिंह धोनी पर है, देखना होगा कि दर्शकों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है। मुंबई से किशलान कुलियाल की रिपोर्ट, बॉलीवुड अड्डा।